इधर से पूरा चढ़ा के एक राउंड घूम के आना गाइस, पीछे नहीं आना है, ये लास्ट टाइम है। 3 बार सिंदूर को लगाना होता है ऐसा बताए गए हैं पंडित जी ने, और ये 3री बार और आखिरी बार। Guys, welcome back to another vlog. Hope all are doing good, guys. आज guys अपन को चलना है एक शादी अटेंड करने के लिए। अपन अपना पूरा परिवार जा रहा है पिताजी को छोड़कर। तो guys पिताजी का कुछ काम है शायद, तो उनको जाने का समय नहीं मिलेगा, तो इसीलिए अब पिताजी को छोड़ के हम लोग सब जा रहे हैं परिवार पूरा। आज जाना है यहाँ यहीं पे लड़की के घर, कल होगा फिर रिसेप्शन शायद लड़के के घर, ठीक है। तो मतलब कल आज जाना है दुल्हन के घर, कल जाना है दूल्हा के घर। तो गाइस बैक टू बैक आज और कल शादी है, तो दोनों दिन का ब्लॉग मैं शायद बनाऊंगा। तो किस तरह से क्या है अब आगे चल के देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो वही गाइस सब रेडी तैयार हो रहे हैं, और मैं तो ऐसा लड़का हूं मुझे ज्यादा रेडी होने के लिए टाइम नहीं लगता है, तो मैं तो रेडी होकर बैठ गया हूँ। तो माँ बहन और एक मासी के बेटा का भाभी है, उनके लिए रुक रहे हैं, वो लोग रेडी हो रहे हैं। ऑब्वियसली लेडीज को थोड़ा टाइम लगता है, और भैया जो ऑलरेडी रेडी होके आगे रोड पे रुक रहे हैं, वो लोग हमें भैया हमें वहीं से मिलेंगे और साथ चलेंगे, ठीक है। तो पिताजी सिर्फ घर पे रहेंगे आज शाम के लिए, तो कल दूल्हा के घर पिताजी जाएंगे, लेकिन आज कल उन्हें सुबह कुछ काम है, तो जिसको जिसके लिए प्रिपरेशन आज से करके रखना है उनको, वरना कल सुबह नहीं हो पाएगा। सो इसीलिए मम्मी माँ निकल गए, और माँ को पता नहीं मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसीलिए माँ ने बिल्कुल नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ टाइम देके निकल गए माँ, क्योंकि घड़ी इधर पे है। बाजू भाभी निकले हैं, माँ भाभी और निकली है बहन। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं, तो यहाँ से घुसते समय कुछ इस तरह से एंट्रेंस है, मम्मी लोग थोड़ा आगे निकल गए, मैं थोड़ा पीछे रह गया। ओह क्योंकि मेरे को थोड़ा कफ आ रहा था, कफ फेंक रखने। तो इस तरह से गाइस एंट्रेंस है, गाइस कुछ इस तरह से डेकोरेट किया गया है एंट्रेंस को काफी अच्छे तरीके से, एज यू कैन सी काफी अच्छा सजाया है। तो मैं गेट के बाहर आके आपको एक बार सीन दिखा रहा हूँ। सूरज वेड्स अनून काफी अच्छी तरह से सजाया है, और माँ लोग इधर है, तो मैं भी इधर ही बैठ जाता हूँ फिलहाल के लिए। भाभी बहन सॉरी, इस तरह से अच्छा डेकोरेशन किया गया गाइस। और यज्ञ यहाँ देखने होते थे, तो पहले यज्ञ देख रहे हैं, यहीं पे होता है शादी। तो दूल्हा सुनने में आया है 7:30 तरफ आएगा, फिलहाल बज रहा 6:30, और जितना आदमी लोग मतलब आ रहे हैं जा रहे हैं खा के बस ऐसा ही है, ऐसा नहीं कि मतलब किसी को रुकना पड़ेगा, किसी का देर भी हो सकता है ना। सो इसलिए लोग क्या हो रहे हैं कि आ रहे हैं खा रहे जा रहे हैं, इधर रिसेप्शन कुछ बताएं, और घर शायद उस तरफ पीछे ही है, पर यहाँ से सिर्फ इतना दिख रहा है कि बैठने का जगह, यहाँ पे शादी होने का यज्ञ, ओके, और डेकोरेशन कुछ इस तरह से, और यहाँ से एंट्रेंस कुछ इस तरह से जाते समय फिर आपको दिखाऊंगा। तो ये मंडप गाइस यज्ञ, और यहाँ पे रखेंगे शायद सबको, अच्छे से डेकोरेट किया है। और इस तरफ है घर, और इधर को शायद खाने पीने का इंतजाम किए हैं। As you can see, काफी अच्छा बनाया है। और ये है मंडप, ऐसे खाना खाने का कुछ इस तरह से बनाए हैं। तो फिलहाल के लिए मैं हम खाना खाएंगे, आपको दिखा देता हूँ मैं क्या खा रहा हूँ। मैं बहुत ही कम खाना खा रहा हूँ, ओके, क्योंकि रात में मैं ज़्यादा नहीं खाता हूँ। काफ़ी सज धज के दुल्हन निकल गई है बढ़िया से, ओके। सो हमारा कैमरामैन ठीक है ना भाई, तो कुछ इस तरह से यहाँ से सजाए गए हैं, तो चलते रहेगा, एक पकड़ने वाला होना पड़ेगा इस तरह से। और ये जो आंटी है इनका बेटी है, ये है दुल्हन की माँ, ये ब्लू ग्रीन ना ब्लू पता नहीं क्या कलर उनका। तो काफ़ी यहाँ पे भीड़ होगा गाइस, काफ़ी अच्छा फोटो खींचता है ये बंदा राहुल रॉय राहुल दास, ओ सॉरी यार दास यार,
भूल जाता है गाइस। तो सब मीट एंड ग्रीट चल रहा है, सब गिफ्ट्स लेके आ रहे हैं हम, एक्नॉलेज चल रहा है, एक्नॉलेज कर रहे हैं और सबको रिसीव करें अच्छी तरह से। और आई गॉट टू मीट शीतल दी, बहुत काफ़ी समय बाद। जैसे हम लोग आते समय जब कम थे आदमी, फिलहाल आपको मैं दिखाता हूँ कितना भीड़ हो गया, ऑलमोस्ट पूरा फिलअप हो गया। और काफ़ी अच्छे से चल रहा है फिलहाल सब कुछ। इधर देखिए, वन ऑफ माय ओल्ड फ्रेंड दीपक छेत्री। अरे दीपक के कैसे चल रहे थे यार? संजय चल ही रहा है सर। ये भाई ये भाई फूफू का सारा क्या नाम है वो? लक्की तमंग। लक्की तमंग। तो यहाँ में एक शॉकिंग न्यूज़ मिला है गाइस कि मेरा दोस्त का दीदी का बर्थडे, और हमको पता नहीं था क्योंकि हम ज़्यादा कॉन्टेक्ट में था ऑब्वियसली, और थोड़ा काम पे बिजी। मेरे साथ खेलता है क्रिकेट सुबह सुबह, वो भी आया शादी में, तो उससे भी हम मिल चुके हैं। उसका नाम है, भाई का नाम है सुदीप। सुनने में आ रहा है कि शायद दूल्हा लोग आ गए हैं, क्योंकि दूल्हा का तरफ से यहाँ में कुछ लोग पहले आते हैं और सब जो होता है वो होगा शायद। ये गाइस तो दूल्हा गाड़ी वाड़ी लेके आ गया है आफ्टर कितना, ऑलमोस्ट एक घंटा ना आधा घंटा रुकने के बाद दूल्हा शायद निकल रहा है गाड़ी से। दूल्हा यहाँ पे तो फिलहाल नहीं दिख रहा है, वहाँ पे बैठा है क्या दूल्हा? हाँ हाँ दूल्हा बैठा हुआ है। फोटोस काफी खींचा जा रहा है। ओ ये तो यहाँ पे जो लेके आया है दुल्हन के घर तरफ से, ओ पता नहीं नियम क्या है, लेकिन ये जो चावल जो दिया जाता है गाइस, इसको हम लोग को दूल्हा लोग के ऊपर छिड़कना है। और माँ सब भी अपने आते हुए दूल्हा को देखने के लिए, क्या मैं जूम इन देखा, मेरे को पता नहीं था, इसलिए मैं अपने आप को देते हुए दिखा नहीं पाया इसको। ये है दूल्हा का भाई, जो वन ऑफ माय फ्रेंड। नियम सब होता वो हो रहा है गाइस, लड़की की तरफ से दूल्हा को। तो गाइस जो ये सब चावल दिया है उसको सब छत्ते समय से छत्ती से ढका जाता है ताकि ना लगे दूल्हा का जो समय कमर है उसे ना बिगड़े। तो वहाँ में सब नियम सब खत्म हो गया लग रहा है, और सब लौट के आ रहे हैं। अब अपना टर्न है गाइस ये सब डालने को, देखिए क्या कहते हैं। दूल्हा दुल्हन के पिताजी साहब, अभी अपन चलते हैं अंदर की ओर और देखते हैं अंदर में क्या कैसा होगा, नियम सब ये सब होगा, अपन देखते हैं अंदर जाके। ओके गाइस, बाय गाइस। दूल्हा लोग के आने के बाद काफ़ी भीड़ के, आप लोग को जितना हो सके उतना सामने का एंगल देने को। ओ भाई फुल्ली, और ये दूल्हा जी काफ़ी भीड़ बंधु जो किसी गाइस पूरा भीड़ अभी फिलहाल आए हैं, और यहाँ पे कुछ अब नियम सब चलेगा। जो भी कुछ होगा मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका सामने का व्यू दे पाऊँ जितना हो सके। और दुल्हन आ गई है, ओ भाई ये तो मैं मिस कर गया, कोई नहीं। तो दुल्हन को घुमाया जा रहा है दूल्हा के राउंड और राउंड, आप लोग बस जस्ट देखिए गाइस और इन्जॉय करिएगा। भाई बंधु ऐसा, और सब ये होके नियम यहाँ पे गाइस अब क्या करेंगे आप लोग? तो इस तरह से यहाँ में जो उनका बैठा सब घूम रहे हैं, कुछ नियम कर रहे हैं, और दूल्हा जो है वो फिलहाल वो करके यहाँ पे फिर से बैठ गया है। ओके
यहाँ पे कुछ दूल्हा के पिता के साथ कुछ नियम कर रहे हैं पंडित जी। तो ये कुछ नियम किए जा रहे हैं गाइस दूल्हा के साथ, दुल्हन का भाई और साथ में कुछ नियम किए जा रहे हैं। मुझे पता नहीं ज़्यादा नियमों के बारे में, और पंडित जी द्वारा किए जा रहे हैं। दूल्हा दुल्हन का पिताजी और दुल्हन का भाई लगे हुए हैं उनके साथ। गाइस आई हैव मेट वन ऑफ माय ओल्डेस्ट फ्रेंड दीपक सोनार। हेलो दीपक। हेलो। और गाइस मैं हूँ दीदी की तरफ से और वो है मेरा जीजा जी की तरफ से, मतलब वो दूल्हा की तरफ से। द अरेंजमेंट्स आर रियली नाइस, तो ओवरऑल गुड। अरे यार थैंक यू यार। तो इसी तरह काफ़ी सारे बहन सब भी हैं, तो उनसे तो फिलहाल इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी दूर दूर बैठे हैं। अभी अच्छे से दिखा दूल्हा को पूरा क्लियरली, जो मालाएं होते हैं गाइस उसको पता नहीं हिंदी इंग्लिश में क्या बोलता है, किससे बनाते हैं। नेपाल में जैसे डुबो बोलते हैं, डुबो का माला, डुबो को माला ऐसा ही चलाया जाता है असली नेपाली शादी में गाइस। वो आर्टिफिशियल मालाएं नहीं चलती, इस तरह से बनाया जाता है। या फिर खरीदने को मिलता होगा पर दिखा नहीं, मेरे को खरीदने को कहीं पर जितना भी है अपने हाथों से बनाते हैं इस तरह से। तो दूल्हा फिलहाल के लिए बैठ गया गाइस और पंडित जी लगे हुए हैं उनके साथ, और कुछ ही पलों में शायद मंत्रों का जाप शुरू हो जाएगा। हाय गाइस, तो दीदी निकल गई है यहाँ पे, जीजा जी वहाँ पे बैठे हैं और कैमरामैन सब जो भी है वो काफ़ी प्रोफेशनल दिख रहे हैं। रिंग लाइट, सित्री, हेलोजन सब यूज कर रहे हैं। दुल्हन है वो राउंड लगा रही है, एक राउंड मार के साथ बैठेंगे दूल्हा के साथ, देखिए क्या होता है कैसा होता है। ओके, तो अपन जो लाइन पे हैं आपको पूरा दिखाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा पूरा दिखाने को, जितना से अच्छा व्यू देने की कोशिश करूंगा। और यू कैन सी बैठ गई हैं, अब शुरू होगा मंत्रों का जाप। मंत्र सब पढ़ेंगे पंडित जी, उसके बाद देखते हैं कितने बजे तक खेल खत्म होता है। करना पड़ेगा गाइस, और दोनों भाइयों को इस तरह से करना पड़ेगा, एक को दूल्हा मतलब जीजा जी और एक को दीदी। और उधर लेके जाता है बाहर में, अच्छा अच्छा वहाँ पे कुछ करेंगे शायद नियम और भी। तो गाइस तो सब पीछे का नियम जो कर रहा था वो सब करके लौट आए हैं दूल्हा दुल्हन पंडित जी सब, और यहाँ पे अब शायद कुछ मंत्र सब पढ़ेंगे और सब देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइस हम हैं दूल्हा के भाई और दूल्हा राजा भैया के साथ, और अपने साथ हुए अपना दोस्त दीपक। गाइस कुछ नियम करके आ गए हैं दूल्हा दुल्हन, और यहाँ पे मंडप का फेरा लगा रहे हैं। कैमरामैन सब काफी प्रोफेशनल दिख रहे हैं, दुनिया में ये लोग असमीज रीजनल मूवीज करते हैं और जुबिन गर्ग सर के साथ काम कर चुके हैं। गाइस टाइम हो रहा है 11:23 और यहाँ पे फिलहाल दूल्हा दुल्हन कहीं पे गए हैं, पंडित जी भी फिलहाल यहाँ पे नहीं है, और सब बोरिंग हो गए वहाँ में। फिलहाल को भी अभी नाचना शुरू किया है। एज यू कैन सी हम भी थोड़ा टायर्ड दिख रहे हैं क्योंकि हम भी बहुत सारे दिनों से अच्छे से सो नहीं पाए हैं। तो वही है गाइस आपको दिखा दूँ, सब बोर्ड हो रहे हैं शायद, तो देखते हैं कितना देर तक ऐसा चलता है। यो मतना
5GB देने वैसे क्यों ओके तो गाइस ये अपना नेपाली का खुकरी को टीका लगा के पूजा किया जा रहा है और देखते हैं आगे क्या होता है मुझे जितना लगता है कि ये दूल्हा को दिया जाएगा तो वही मैं मेरे को लग ही रहा था एक बार हो गया ये दूसरी बारी है तो तीन बार ये मंडप का राउंड मार के गाइस और तीन बार सीधे इसके बाद शादी सिंदूर के बाद गाइस ओके सो गाइस सब कुछ खत्म हो गया यहाँ का नियम रीति रिवाज सब हो गया और यहाँ पे सब फोटो सेशन चल रहे हैं क्योंकि आखिरी टाइम आ गया है और कैमरा मैन सभी पैकअप कर रहे हैं सो मेरे पास हैं राहुल और दीपक तो दीपक आज का ये शादी के बाद आप क्या कहना चाहते हैं कैसा लगा अच्छा ही था अच्छा लगा मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा ये ऐसा नेपाली का टिपिकल नेपाली फुल शादी इसलिए मेरे को तो बहुत अच्छा लगा ओए भाई मेरा भी फर्स्ट टाइम था इतना टिपिकल था भाई फर्स्ट टाइम था और राहुल बताओ यार नेपाली शादी देखे कैसा लग रहा है मुझे भी बहुत अच्छा लगा मैंने भी फर्स्ट टाइम मेरा भी फर्स्ट टाइम और दीपक जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है सो मतलब दीपक छेत्री जिसका दीदी का शादी हो रहा है जिसका दीदी का शादी हो रहा है बहुत अच्छा लगा बहुत इन्जॉय किया डांस वगैरह किया बहुत अच्छा लगा बढ़िया बढ़िया गाइस तो यही थे कुछ आखिरी सब हमारे दोस्तों के तरफ से और फिलहाल अपन अब वेट करेंगे जब तक विदा होगा दुल्हन का विदाई के समय का उस टाइम डायरेक्ट अपन जुड़ेंगे आप लोगों के साथ विदाई का समय आ गया है सबसे हेडमोस्ट पार्ट ऑफ द मैरिज फॉर मी हमें गाड़ी के राउंड घूम के चढ़ेंगे अंदर उसके बाद फिर गाड़ी पे पूजा किया जाएगा इस तरह से कुछ सुनने में है चढ़ेंगे दूल्हा दुल्हन गाड़ी पे और गाड़ी से पूजा किया जाएगा फिर देखते हैं क्या होता है आगे तो इस तरह से गाइस गाड़ी में चढ़ के दूल्हा दुल्हन और तो दूल्हा दुल्हन का गाड़ी सबसे पहले आगे निकलेगा और ये निकल रहा है वॉकिंग 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 ओके तो दूल्हा दुल्हन गाड़ी चला गया